है सारे दर्शकों को वैलेंटाइन की ढेर सारी मुबारकबाद। पाजी वैलेंटाइन डे, ये पूरा वैलेंटाइन वीक है। वैलेंटाइन डे मतलब प्यार का दिन। ये भारत में कुछ ही साल पहले लॉन्च हुआ, उसके बावजूद भी हम लोग 150 करोड़ हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर वैलेंटाइन डे को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी जाए तो एक ही दिन में इतनी मोहब्बत होगी, अगले दिन हम लोग 300 करोड़ हो जाएंगे। वैलेंटाइन पे कुछ लोगों का प्यार बनता, कुछ का नहीं बनता, कुछ का सारी उम्र नहीं बनता। कुछ लड़कियां अपनी खूबसूरती के गुरूर में इतना आ जाती हैं कि लड़के रिजेक्ट करती जाती हैं, धड़ा धड़ धड़ा धड़। एक टाइम पे उम्र निकल जाती है ना, जब फिर रात को 12 बजे न्यूज चैनल लगा के ना भाग्य बदलू यंत्र की ऐड देख रही होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, लड़की जब बूढ़ी होती है औरत, उसका सर यूं यूं हिलने लगता है भाजी। आदमी जब बूढ़ा होता है उसका सर यूं यूं हिलने लगता है। ना, ना, ना। क्योंकि सारी उम्र उसने पास नहीं फटकने दिया, खूबसूरती का गुरूर था। फिर बुजुर्ग को अपने पास बुला रही है, तो मेरा प्रेमी था, मैं कहीं बात सुनते हो। तो बुजुर्ग दूर से कह, ना भाई। भाई जब टाइम था तब तो फटकने ना लिया, तो अब क्या ढूंढ रही है। वैसे पाजी छोटे शहरों में अभी भी वैलेंटाइन का इतना रिवाज नहीं है, थोड़ा कम है, क्योंकि जब ये नया नया लॉन्च हुआ ना, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तभी। ये लड़के जो होते हैं ना, जो मजनू टाइप होते हैं, इनकी कोई मतलब दीन ईमान होता नहीं इनका। लड़की के सामने चले ना कॉलेज के बाहर, फूल लेके मोटरसाइकिल यार दोस्त का मांग के फूल ले खड़े थे वैलेंटाइन में, बाहर आ रही तेरी भाभी। आप सोचो कि जिस लड़की को फूल देने गए हैं उसने भी देख लिया कि आया हुआ मुझे फूल देने, पीछे से पुलिस आ गई, अब उसको पता भी नहीं है, स्टाइल मार रहा, पीछे थप्पड़ पड़ा। ऐसे लड़के ना झट से अपना झट से कैरेक्टर बदल लेते हैं। अभी लड़की के सामने हीरो बन रहे थे, जैसे पुलिस का थप्पड़ पड़ा, अंकल जी पढ़ते रहे। और पाजी आपको पता है पुलिस वाले तो पकड़ते भी पता नहीं कहां कहां से, पुलिस वाले जल्दी जल्दी में लड़के को पीछे पैंट से पकड़ देते हैं, ऐसे पीछे हिलाते हैं ना, फिर ऐसे चलते हैं, अंकल अंकल। वैलेंटाइन पे कुछ लोगों का प्यार सक्सेस हो जाता है, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, यानी उनकी शादी हो जाती है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क क्या है पाजी? लव मैरिज देखिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी शादी हो जाती है तो लव मैरिज, और आपकी किसी की गर्लफ्रेंड के साथ शादी हो जाती है वो होती है अरेंज मैरिज। खैर भाई ये तो हंसी मजाक की बातें होगी, लेकिन आज की डेट में वैलेंटाइन जो है एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार बन चुका है। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि वैलेंटाइन हम लोग क्यों मनाते हैं? कोई मेरे दोस्त? जी मैडम, लड़कियों को सारी नॉलेज होती है। जी हेलो कपिल, हेलो सिद्धू जी। वैलेंटाइन इसलिए मनाते जाते हैं क्योंकि वैलेंटाइन नाम के एक महात्मा थे जो लवर्स को मिलाने के लिए बहुत कोशिश करते थे, उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वाह, पूरा ऐसे याद किया है। अभी गाय का ऐसे सुनाइए। गाय का ऐसे नहीं आता है, देख लो आजकल के लड़के लड़कियां देख लो। वैलेंटाइन का पूरा ऐसे याद है, गाय का। गाय हमारी माता है, हमको चार टांगे होती, पूंछ दो, आंखें दो, कान होती, ये हमें दूध देती है, दूध पी के हमारे शरीर में ताकत है। ये बच्चों को सिखाया जाता है ऐसे। क्या करती है मैडम आप? सर पढ़ाई। क्या करना चाहती हैं आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद? सर कुछ भी नहीं। कुछ तो करोगी। हाँ सर, डांस का बहुत शौक है तो डांस की फील्ड में आगे जाना चाहूंगी। डांस की फील्ड में कहाँ आगे कहाँ जाने चाहिए? दहशत। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाजी जिनका दिल बड़ा करता है कि यार मैं जाके प्यार का इजहार करूं, लेकिन हिम्मत नहीं आती है। हाँ। बोल ही नहीं पाते हैं। कोई ऐसे शख्स कोई हो भाई साहब? या जी हाय सर, है कपिल सर। हेलो जी। हेलो सिद्धू सर। हेलो सर, मुझे सिद्धू सर से कुछ सवाल करना है। सिद्धू सर से क्या सवाल करना है? सर मुझे आपसे ये सवाल करना है कि हमेशा लड़के ही क्यों प्रपोज मारते हैं, लड़कियां क्यों नहीं मारती प्रपोज? चुंबक बेटा कितनी भी दूर पड़ा हो, लोहे को पास जाना ही पड़ता है। लड़की प्रपोज क्यों नहीं करेगी? हमेशा प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। क्या करते हैं आप भाई साहब? 12th में पढ़ता हूँ। 12th में पढ़ते हैं? तो ये स्कूल की यूनिफॉर्म है? नहीं सर। नहीं। तो मतलब आपको ये जानना था कि लड़के ही क्यों प्रपोज करते हैं? हाँ। आपने कभी किया किसी को? हाँ सर। आपने फेस टू फेस बोला था? हाँ फेस टू फेस। क्या क्या बोला था, बोल के बताओ जरा। नाम भी बोलो उसका। नहीं नहीं उसका नाम बोलो, नाम बोलो भले ही। क्या नाम था, क्या था वैसे? नाम उसका ज्योति था। ज्योति था? हाँ। ज्योति के भाई ध्यान से देख लेंगे। भाई ये एपिसोड होने दे, ऐसी ज्योति बुझाएंगे ना। टाई जो लगा के आए ना, टाई से पकड़ना उन्होंने ऐसे। अंकल थैंक यू मेरे भाई। कोई और इस वैलेंटाइन डे पे कोई? जी सर। नहीं सर आप नहीं। जी सर। ये बात कुछ रिश्तेदारी की बात है। मैं आओ आगे थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं हाथ मिलाऊंगा। आपके में हरे हमेशा दिखता हूँ कि बुआ जी की शादी के बारे में आप चिंता करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज वो चिंता, आपकी चिंता मैं ले लूं। लेकिन मेरी बुआ भी तो माननी चाहिए कि नहीं? हाँ तो मैं प्रपोज करता हूँ ना, आप उनको बोलना अट्टा कट्टा नौजवान। ये देखो अब मेरे बाल। अंकल जी, जी खेती सूख जाए उसके बाद बारिश हो कोई फायदा नहीं, और चिराग बुझ जाए उसके बाद तेल डालते रहो कोई फायदा नहीं। तो मैं बुआ को क्या संदेश दूं? अभी वो मार्केट गई हुई है। प्लीज मेरी तरफ से ये प्रपोज मैं करता हूँ। प्रपोज करने जाते हैं कि शादी करने जाते हैं? हाँ अगर वो उन्होंने हाँ कहा तो मैं शादी कर लूंगा। जो आपकी ऑलरेडी फैमिली है वो मना नहीं करेंगे। पक्की बात है सर। मतलब मैं आपकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, मतलब कितने कुछ विचार, मतलब मना ही नहीं करेंगे ऐसे क्यों? आपको इतना विश्वास कैसे है? मेरी खुशी में उनकी खुशी है, आपकी खुशी में उनकी खुशी है। अरे वाह, ये पहली बार देखा है धक्के से अपनी खुशी थोप रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच सर। मैं बुआ जी को आपका मैसेज दे दूंगा, बुआ मेरी तो खुशी से मर जाएगी। शुक्रिया। तेरे दत्ता की याद में तबाह हो जाओगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बीच में नहीं आना। कर क्या रही है तू? बीच में नहीं आना, मैं जान दे दूंगी। मैं टक के नीचे आके जान दे दूंगी। दादी एक बात सुन मेरी। क्या? इस सड़क पे आज तक तूने कभी ट्रक देखा कोई? एक काम कर, तुझे मरना है ना? हाँ। तो ये पड़ोसियों की पलक के नीचे आके मर जा। तू मजाक मत कर। मैं सच में और जीना नहीं चाहती। लेकिन हुआ क्या, ये ड्रामा कर क्यों रही है तू? तेरे दादा की वजह से। उनकी याद में मेरा गला गम से भरा हुआ है बिट्टू। जितनी बात आ रही ना, गला गम से नहीं रम से भरा हुआ है। दादी एक बात तो बता, क्या ये दादा ही रहते कहाँ है? कह कर तो गए थे कि फ्रांस में रहते हैं। हाँ? फिर गोरखपुर में पकड़े गए। नकली नोट छापते ना, टक 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 टक। दादा भी ना दादी की तरह टुन रहता। बाजी एक बार तो दारू पी के ना 15 रुपए का नोट छाप दिया, पकड़ा तो जाएगा ही। अब जो भी हो, जैसे भी हो, जग से मेरा मन उठ गया है, सब कुछ सुना सुना लगता है। तुझे जग से क्या लेना देना दादी, तेरा गिलास भरा होना चाहिए, दुनिया की भाड़ में तेरे को क्या। वैसे आज तुझे याद क्यों आ रही इतनी दादा की? क्या बताओ बिट्टू, क्या बताओ। हाँ? हर वैलेंटाइन डे पर मुझे बहुत तड़पाते ही है, पर ये आते नहीं है, इसलिए आज मैंने फैसला किया कि इसके दत्ता को गले से लपट कर रोते रोते सो जाओगी। जानू जानू, आज बताओ क्या है? आज ठंड है। आज वैलेंटाइंस डे है। अच्छा तो बताओ आज मुझे क्या दोगे? क्या दोगे यार? मिस कॉल दे दूं? कभी तो कुछ डिफरेंट दो। मिस कॉल तो रोज ही देते हो। अरे तो एक काम करो, तलाक ले लो। इतने अच्छे दिन पे ऐसी मरूस बातें नहीं करते। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये तो तूने गिफ्ट दे दिया मेरे को। अच्छा, सॉरी सॉरी बेबी, सॉरी। यू नो एवरीबॉडी नोस कि हाउ मच आई हेट यू ना।